न्यूज़ में हमारा जो कॉमन मसला होते हैं वो ज़्यादातर डिविएटेड नेजल सिप्टम होते हैं, जिसको डीनेस कहते हैं। ये लोग हमारे पास ज़्यादा आते हैं। बच्चों में ज़्यादातर एडिनाइट्स के साथ आते हैं, जो एक गोश होते हैं नाक के पीछे से। फिर पॉलिप्स बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे पास। पॉलिप्स आजकल एक कवर चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन, जो कोविड के दिनों में भी उसको कहते हैं फंगल इन्फेक्शन ऑफ द साइनस, जिसको हम क्रॉनिक साइनोसाइटिस। ज़्यादातर ये मरीज़ जो है ना, ये इनको पता भी नहीं है कि इनको शुगर है या नहीं। तो मेरे ख्याल में ये अवेयरनेस लोगों को होना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ इज़ वेरी कॉमन। हर तीसरे बंदे को शुगर है, इन लोगों को पता भी नहीं होता। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिसको फंगल इन्फेक्शन के साथ आते हैं, जिसको म्यूकोरमाइकोसिस, उसको शुगर का पता भी नहीं होते। तो ये अवेयरनेस होना चाहिए ना, कि अगर आपको कोई साइनोसाइटिस हो जाए, रिकरेंट इन्फेक्शन हो जाए, तो अपने शुगर चेक करवाए, क्योंकि ज़्यादातर शुगर की वजह से होते हैं। तो पॉलिप का भी हम सर्जरी, जो लेटेस्ट सर्जरी है, इसको कहते हैं फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। वो कैमरे के ज़रिए हम करते हैं। एंड आई एम प्राउड के मैं ट्रेन हूँ इसमें। मैं यूके से आया हूँ, तो वहाँ पर इसके मैंने ट्रेनिंग किया। और यहाँ पर जितने भी लोग मेरे पास भिजवाते हैं, और द सक्सेस रेट माशाल्लाह इसका 100% होता है। अगर किसी को रिकरेंट साइनोसाइटिस है और आप इसको फिर सर्जरी करें, और हो सका मेक श्योर कि उसको एलर्जी ना हो। अगर एलर्जी भी हो तो फिर हम इसको कोई दवाई देते हैं। साल में एक दो मरतबा अगर वो दवाई इस्तेमाल करें तो फिर पॉलिप्स नहीं आते। नेजल सिप्टल सर्जरी हम करते हैं, सुराख होते हैं सिप्टम में ट्रामा की वजह से, और क्यों उसकी भी सर्जरी ज़्यादातर करते हैं। बाकी एंडोस्कोपिकली मैंने बहुत जो बच्चों में बीमारी होती है, इसको कहते हैं एंजियोफाइब्रोमा। इसकी प्रेजेंटेशन इस तरह होती है कि बच्चा, टीनेजर बच्चा हो, उसके नाक से बार बार खून आता है। हॉस्पिटल को जाते हैं, मसला है हमारे सोसाइटी में ये है कि अभी तो अवेयरनेस शुरू हुआ, लेकिन किसी के पास एंडोस्कोप नहीं है, तो नाक के पीछे वाला हिस्सा बिल्कुल वो इग्नोर करता है, बस आगे से पैक लगाते हैं और फिर इसको डिस्चार्ज करते हैं। तो ये एक ट्यूमर होता है, वेस्कुलर ट्यूमर होता है, नाक के पीछे से होता है। तो अगर बच्चे को बार बार नाक से खून जाता है, तो उसका जो पोस्ट नेजल स्पेस है वो एग्जामिन करना चाहिए। तो वो भी मैंने एंडोस्कोपिकली यहाँ शुरू किया, माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि ऊपर से कोई कट वगैरह नहीं होते।